हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए ब्रेड पॉकेट रोल बनाते हैं। ये आलू से बनाएंगे, आप चाहे तो इसमें चीज, पनीर और सब्जी भी डाल के स्टफिंग कर सकते हैं। तो देखिए, आलू को हम बॉईल कर लिए हैं, अब इसको हम छील लेंगे। अब देखिए, सारा आलू अब हमारा छिल गया है। अब इसको पोटैटो मैशर से या हाथ से आप मैश कर सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये टोटल फ्री है। तो देखिए, इसको अच्छी तरीके से हम मैश कर लें। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं कि एक बराबर हो। इसके बाद हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। इधर दो प्याज काट लिए हैं, एक गांठ लहसुन है, 6-7 हरी मिर्च है। हरी मिर्च लिए हैं तो लाल मिर्च कम लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पुदीने का पाउडर है, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक, सादा नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। और साथ में जीरा लिए हैं। तेल गरम हो गया है तो जीरा इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए, जीरा चटकने लगा। अब इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें जो मसाला हम दिखाए थे सारा डाल के भून लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस 2-3 मिनट भून के इसमें हम आलू डालेंगे। तो देखिए, मसाला भून गया है। अब जो आलू मैश करके रखे हैं उसको डालेंगे और इसको मिलाते रहेंगे। तो इसको तब तक भूनना है जब तक आलू में मसाला अच्छी तरीके से मिल ना जाए। तो देखिए, आलू में मसाला मिल गया है। अब इसको हम 2-3 मिनट भून लेंगे, इसके बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर हम 2 चम्मच मैदे को ले लिए हैं और पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे, जिसको साटा भी बोलते हैं, ब्रेड में किनारे किनारे चिपकाने के लिए। इसको अच्छी तरीके से फेटेंगे ताकि कोई इसमें लम्स ना रहे। तो देखिए, ये घोल तैयार हो गया है। तो चलिए अब ब्रेड को ले लेते हैं। इसके किनारे किनारे को हम काट लेंगे। तो चलिए, काट के दिखा दे रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से हमको सारे ब्रेड का किनारा निकाल लेना है, जो ब्राउन वाला हिस्सा है। तो देखिए, सारा इसी तरीके से हम निकाल लिए हैं। ताज़ी ब्रेड होगी तो पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पुरानी ब्रेड होगी तो इसमें पानी छिड़कना पड़ेगा। तो देखिए, इसी तरीके से आप हल्का सा पानी का छींटा मार के बेल सकते हैं अगर पुरानी ब्रेड हो तो। अब इसके बाद इसमें हम जो आलू की स्टफिंग तैयार की है, ठंडी हो गई है, अब इसको इसमें भर देंगे। अब इसके चारों तरफ हम साटा लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो देखिए, ये चिपक गया है और ये तैयार हो गया। और फिनिशिंग के लिए किनारे किनारे से जो एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। तो देखिए, ये ताज़ा ब्रेड है तो हम इसको ऐसे ही बेल के आपको दिखा दे रहे हैं, वो बताने के लिए कल पानी छिड़के थे। देखिए, इसी तरीके से किनारे किनारे लगाना है। अब
चम्मच से लगाइए या ब्रश से लगा लीजिए और इसको फोल्ड करके किनारे किनारे हम दबा देंगे हाथ से ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो इसी तरीके से हम सारा तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारा बन के तैयार हो गया है और एक ब्रेड बचा है उसको ऐसे ही प्लेन आलू लगा दिए हैं उस पर और इसको 6 टुकड़े में काट लिए हैं। तो इधर तेल रख दिए गर्म होने के लिए, तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसको हम डाल के इसमें फ्राई कर देंगे। तुरंत नहीं चलाना है नहीं तो टूट जाएगा। जब पॉकेट थोड़ा टाइट हो जाए तब पलटना है। तो देखिए ये फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल ले रहे हैं। अब दूसरा बैच डालेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी डाल दे रहे हैं। इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी ब्राउन हो गया है, इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। इसके बाद जो नीचे वाली ब्रेड पे जो मोटी सी ब्रेड होती है उस पर हम आलू लगा दिए थे तो उसको उसी मैदे के घोल में टिप करके हम डाल देंगे। देखिए छोटे छोटे टुकड़े में बनाए हैं, ऐसे ही मैदे में डाल के फिर इसको हम कढ़ाही में डाल देंगे। देखिए ये भी हमारा फ्राई हो रहा है, अब इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। इसी तरह आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। देखिए कितना क्रिस्पी दिख रहा है, तोड़ के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।